राष्ट्र को, बिहार के सभी जिलों को, बिहार के सभी सम्मानित नागरिकों को, गया जिला के सभी नागरिकों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तहे दिल से सभी का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं आग्रह करते हैं कि जिस मेहनत के साथ और जिस कुर्बानी के साथ हमको ये स्वतंत्रता मिली है उसको याद करने का वक्त आ गया है। आप जीवन में हर कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन स्वतंत्रता के लिए जो कुर्बानियां दी गई है उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपकी आंखें नम होनी चाहिए। ये राष्ट्रहित की बात है, ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र के लिए आपको सोचना ही होगा। जब तक राष्ट्र नहीं बचेगा आप राजनीति कहाँ कीजिएगा, आप अपना व्यवसाय कहाँ कीजिएगा, आप रहिएगा कहाँ। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए आज युवाओं को आगे आना होगा। और जब तक युवा नहीं आगे आएंगे हमको नहीं लगता है कि किसी मायने में हम स्वतंत्र महसूस कर पाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी से हम अपने आप को बंधे हुए महसूस करेंगे। इसलिए तमाम युवाओं से मेरा आग्रह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने हौसला को बुलंद करें और अपने आप को राष्ट्रहित में समर्पित करें। वो जिस जगह पर है वहां आत्मविश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें और राष्ट्रहित की बात करें। सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथ साथ ये संयोग है और ये एक पावन त्यौहार के राष्ट्रीय त्यौहार के साथ साथ भाई बहन का भी एक अनमोल त्यौहार है। इसमें भी हम समझते हैं कि युवाओं का ही रोल है। आज युवा सिर्फ अपने बहन को बहन न समझें, आज चारों तरफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। आप सामने आइए, हर एक बहन को सुरक्षा देना हम भाइयों का कर्तव्य है। इसलिए हम युवा भाइयों से कहते हैं कि हर एक बहन को ये महसूस कराएं कि उनका भाई उनके सामने है। पुनः इस पावन राष्ट्रीय पर्व और रक्षाबंधन के मौके पर तमाम भारतवासियों को, मीडिया कर्मियों को, प्रशासन को, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।